नमस्कार दोस्तों, SSV चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समग्र आडी निकालना सिखाऊंगा। समग्र आडी उपभोक्ता के प्रति राशन कार्ड पर चस्पा यानी सामाजिक समक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु पात्रता द्वारा समग्र आडी निकालना सिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आया मोबाइल की स्क्रीन पर, इस पर मैंने टाइप किया ट्रिपल एस एम सर्च करने के बाद मैंने सर्च पर क्लिक किया। जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक किया इसमें समग्र पोर्टल पहली लिंक है, समग्र गवर्नमेंट समग्र GOV.in पर क्लिक किया। पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे को मोबाइल से स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करते गया। नंबर एक, समग्र परिवार आईडी जाने प्रोफाइल देखें, समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी जाने, इसी पे क्लिक किया मैंने। इसे पे क्लिक करने के बाद इसमें कुछ सामाजिक समग्र UOB समग्र परिवार आईडी जानने हेतु आवश्यक निर्देश, आपको अपनी समग्र आईडी निम्नलिखित माध्यम से मिल सकती है। जैसे नंबर एक, प्रदेश निवारत सभी और गैर आयकर दाता SC/ST परिवार को खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दूरी पर खाद्य सामग्री उनकी राशन की दुकान से दी जा रही खाद्य विभाग द्वारा स्थानीय निकाय के माध्यम से उन्हें इस हेतु एक ई राशन कार्ड पात्रता पर्ची दी गई है, जिस पर परिवार के सभी सदस्यों के समग्र आईडी भी प्रिंट अंकित है। पात्रता पर्ची का फॉर्मेट देखें, ठीक है। नंबर दो, राशन कार्ड पात्रता पर्ची को आपके परिवार के पुराने राशन कार्ड पर चिपका दिया है, उससे देखकर आप समग्र आईडी जान सकते हैं। नंबर तीन, यदि अगर आपके पास पात्रता पर्ची नहीं है तो आप अपनी पात्रता पर्ची की दुकान के अंतर्गत सभी परिवारों की जानकारी जहां पर आपको अपना समग्र परिवार आईडी मिल सकता है। यदि आपके पास पात्रता पर्ची है तो आप अगर आपके पास अपनी परिवार आईडी का पात्रता पर्ची है तब आप यहाँ क्लिक करें अपना समग्र आईडी जानने के लिए। तो आप यदि आपके यहाँ पात्रता पर्ची है तो आप 5 नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करें। जैसे ही 5 नंबर फॉर्मेट पर क्लिक किया मेरा पोर्टल खुल गया है। इस पर लिखा है समग्र परिवार आईडी कार्ड प्रिंट करें, इस पर समग्र परिवार आईडी कार्ड प्रिंट करें, समग्र परिवार आईडी डालें। यदि यार मेरे पास समग्र आईडी है, मैं इस पर एंटर करता हूँ। जैसे कि मेरी समग्र आईडी है वो मैं डाल रहा हूँ। मैंने समग्र आईडी डाल दी है और इस पर लिखा है कृपया ऊपर दिखाया गया कोड एंटर करें।
पर एक कोड दिखाया है, उसको एंटर करें। और देखे पे क्लिक करें। जैसे देखे पे क्लिक किया, ये मेरी सामग्री निकल आई है, और इसको प्रिंट पर क्लिक करें या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्रिंटर है तो प्रिंट कर लें, नहीं आप इसको बैक करके इसका स्क्रीनशॉट लें। ऊपर से स्क्रॉल किया, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, इसमें स्क्रीनशॉट लें। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मेरा मोबाइल में सेव हो गया। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।